आधुनिक भारत के इतिहास में अगर किसी एक महान देशभक्त, स्वातंत्र वीर, प्रबुद्ध चिंतक, कवि, इतिहासकार और नेता के चरित्र की सुनियोजित चारित्रिक हत्या की गई तो वह विनायक दामोदर सावरकर थे। कांग्रेसियों और वामपंथियों ने झूठे प्रचार से उनके धवल व्यक्तित्व को मलिन करने के प्रयास किए, लेकिन इतिहास में एक विचित्र शक्ति होती है, वह कभी न कभी सत्य को उधेड़कर सामने रख देता है। हम में से अधिकांश लोग इस सत्य से परिचित नहीं हैं कि स्कूल के दिनों में ही सावरकर की देशभक्ति और बड़ी प्रतिभा का परिचय मिलने लगता है। वह 13-14 वर्ष की आयु में ही बहुत अध्ययन कर चुके थे। इसी आयु में उन्होंने एक लंबा लेख लिखा था जिसे स्कूल के अध्यापक ने प्रतिष्ठित समाचार पत्र नासिक वैभव में भेजने को कहा। समाचार पत्र के संपादक यह जानकर अवाक थे कि लेख 13 वर्ष के लड़के का लिखा हुआ है। वह लेख 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था। स्कूल के दिनों में ही विनायक दामोदर सावरकर समान आयु के लड़कों को संगठित कर युद्ध में प्रवीण होने का पाठ पढ़ाते थे। उन्हें शस्त्रास्त्र के सहारे अंग्रेजों से लोहा लेने की शिक्षा दी जाती थी। सावरकर ने 18 वर्ष की आयु में नासिक में आयोजित रानी विक्टोरिया की मृत्यु की शोक सभा का यह कहकर विरोध किया था कि वह शत्रु देश की रानी थी, उसकी शोक सभा हम क्यों आयोजित करें। सावरकर ने एडवर्ड अष्टम के राज्याभिषेक समारोह का उत्सव मनाने वालों की भर्त्सना की थी। उन्होंने कहा था कि गुलामी का उत्सव मत मनाओ। विदेशी वस्त्रों की होली जलाने का पहला कार्य सावरकर ने ही किया था। पूना में 7 अक्टूबर 1905 को यह होली जलाई गई थी। उनके इस कार्य की प्रशंसा बाल गंगाधर तिलक ने भी की थी। बाद में गांधी और उनके अनुयायियों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के लिए सावरकर को पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज से निकाल दिया गया था। वह अपने समय के अत्यंत मेधावी छात्र थे, तथापि उनकी पढ़ाई रोकी गई और उन पर 10 रुपये का जुर्माना लगाया गया। सावरकर ने इंग्लैंड जाकर वकालत की पढ़ाई की। ब्रिटेन की ग्रेज इन की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने ब्रिटेन की राजसत्ता के प्रति वफादारी की शपथ नहीं ली थी, जिस कारण उन्हें वकील की उपाधि नहीं मिली। एक तरह से सावरकर की पूरी पढ़ाई को स्कूली स्तर पर लाकर छोड़ दिया गया था। सावरकर ने पहली बार 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को गदर कहे जाने के षड्यंत्र से मुक्त किया था। उन्होंने बड़ी कठिनाई और बड़े खतरों का सामना करते हुए तब 1857 का स्वातंत्र्य समर नामक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक के छपने से पहले ही इस पर ब्रिटेन की संसद ने प्रतिबंध लगा दिया था। 1857 का स्वातंत्र समर विदेशों में प्रकाशित हुआ। भारत में महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह ने इसे छपवाया था। भारतीय क्रांतिकारियों के लिए यह पुस्तक पवित्र धर्म ग्रंथ से कम नहीं थी। सावरकर पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें अंग्रेजों ने 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। विनायक दामोदर सावरकर ने अपने बड़े भाई गणेश सावरकर के साथ सेल्यूलर जेल की सजा काटी थी। सावरकर के इंग्लैंड जाने और आजीवन कारावास भोगने तक के 12-13 वर्षों के कालखंड में उन पर विपत्तियों का पहाड़ टूटा। उनके 4 वर्ष के बच्चे की मृत्यु हो गई, बड़े भाई की संतानें मर गईं, उनकी आदरणीय माता समान भाभी के प्राण छूट गए। पूरा घर विकट आर्थिक तंगियों से जूझता रहा, जबकि वे एक धनवान पिता के पुत्र थे। सावरकर उस जेल में लगभग 10.5 वर्ष रहे, अनगिन यातनाएं झेली। बैल की तरह कोल्हू चला चला कर रोज 30-35 पाउंड तेल निकाला। उन्हें बीड़ियों में जकड़ कर रखा जाता था। वह जेल की एकाकी काल कोठरी में बंद कर दिए जाते थे, जहां महीनों तक किसी और कैदी का चेहरा तक नहीं दिखाई देता था। उन्हें पशुओं से भी खराब भोजन दिया जाता था। सावरकर के साथ सेलुलर जेल में बंद सभी राजनीतिक कैदियों को पहले रिहा कर दिया गया था, जबकि उन्हें सबसे बाद में छोड़ा गया। सेलुलर जेल की यातनाएं ऐसी थीं कि कई क्रांतिकारियों ने उनके रहते रहते ही आत्महत्या कर ली थी। सावरकर ने सेलुलर जेल के राक्षस जैसे जेलर बैरी से निरंतर संघर्ष किया, सभी क्रांतिकारियों कैदियों को हड़ताल के लिए प्रेरित किया। उनके ही कठोर संघर्षों और यातनाओं का परिणाम यह हुआ कि सावरकर के वहां रहते ही जेल सुधार शुरू हो गए थे। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर इंग्लैंड बैरिस्टर की डिग्री लेने गए थे,
लेकिन जिन्होंने सावरकर के जीवन को निकट से जाना है वह इस सत्य से दूर नहीं है कि सावरकर के इंग्लैंड जाने का पहला उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम को सीधे बरतानवी धरती तक ले जाना था, ताकि अंग्रेजों को उनके ही देश में भारतीयों के संग्राम का ताप अनुभव हो सके। इंग्लैंड में उन्होंने श्याम जी कृष्ण वर्मा, मैडम भीका जी कामा, सरदार सिंह राणा, मदन लाल ढींगरा, वीवीएस अय्यर, निरंजन पाल, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, लाला हरदयाल, एमपीटी आचार्य और अन्य महान क्रांतिकारियों के साथ मिलकर दमनकारी अंग्रेजों की राजनीतिक हत्याओं के लिए बम पिस्तौल और बम मैनुअल की खरीद और तस्करी जैसे कई क्रांतिकारी कृत्यों को अंजाम दिया। उन्होंने इतालवी क्रांतिकारी जोसेफ मेजनी की जीवनी और 1857 के विद्रोह पर उनके द्वारा लिखी गई महान पुस्तक के सहारे क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक विशाल और महान बौद्धिक निधि के निर्माण में सहयोग प्रदान किया। वास्तव में यह सावरकर ही थे जिन्होंने सबसे पहले द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के मुहावरे को गढ़ा और ब्रिटिश अभिलेखागार में उपलब्ध दस्तावेजों के भारतीय दृष्टिकोण से व्यापक शोध के बाद फिर से लिखा। वामपंथियों ने सावरकर को अंग्रेजी जासूस कहा था। यह बात सरासर गलत, निराधार और उनके विराट व्यक्तित्व के लिए अपमानजनक है। सच तो यह है कि सावरकर की गतिविधियों से अंग्रेज इतना डर गए थे कि उन्होंने उन्हें डी श्रेणी यानी खतरनाक अपराधी के रूप में वर्गीकृत किया था। अंग्रेज उन्हें हर कीमत पर भारत लाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने पूरी शक्ति लगा दी। यहाँ तक कि हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फ्रांस के विरुद्ध मुकदमा भी लड़ा ताकि वे सावरकर को पकड़ सकें। अंग्रेज सफल रहे। सावरकर को बिना ज्यूरी या अपील की सुविधा के एक दोषपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया के बाद दोहरा आजीवन कारावास दिया गया और अंडमान की कुख्यात सेल्यूलर जेल में 50 साल के लिए भेज दिया गया। अंडमान जेल में सावरकर और कई अन्य राजनीतिक कैदियों के साथ किए गए अमानवीय और बर्बर अत्याचार तो अब ऐतिहासिक रिकॉर्ड में अंकित हो ही चुके हैं। सावरकर द्वारा जिस क्षमादान की मांग की गई थी और जो उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए अक्सर प्रयुक्त होता है, वैसी याचिकाएं उस दौरान के सभी राजनीतिक कैदियों के लिए उपलब्ध एक सामान्य व्यवहार था। इसका उपयोग करने वालों में बारिन घोष और सचिंद्रनाथ सान्याल भी थे। सावरकर अपनी याचिकाओं के द्वारा एक तरह से अन्य कैदियों के लिए एक प्रवक्ता के रूप में भी काम कर रहे थे और उनमें से कई याचिकाओं में सभी के लिए एक सामान्य माफी मांगने के बारे में लिखा गया था। सावरकर का साक्षात्कार करने वाले ब्रिटिश अधिकारी सर रेजिनाल्ड क्रेडॉक ने कहा था कि सावरकर ने जो कुछ भी किया उसके लिए उन्हें किसी प्रकार का खेद या पश्चाताप नहीं है। सेल्यूलर जेल में 10.5 वर्ष की भयावह यातनाओं और त्रास को झेलने के बाद सावरकर को वहां से महाराष्ट्र की जेल में ले जाया गया। अंततः वर्ष 1924 में उन्हें सशर्त रिहा किया गया कि वो रत्नागिरी जिले से बाहर नहीं जाएंगे। राजनीति के आंदोलनों आदि में भाग लेने से भी रोक दिया गया। शुरू में इस रिहाई की अवधि 5 साल थी, जिसे बाद में 13 साल तक बढ़ा दिया गया था। अगर उन दिनों वह अंग्रेजों के सहयोगी बन गए होते तो ब्रिटिश सरकार के पास ऐसा कोई ठोस कारण नहीं था कि वह उन्हें ऐसी सख्त निगरानी के अधीन रखे जहां उनके हर कदम पर नजर रखी जाती थी। उस समय की ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों की ऐसी कई रिपोर्ट्स इस बात के प्रमाण देती है कि कैसे उनके भाषणों और क्रियाकलापों की अत्यंत निकटता से निगरानी की जाती थी। इस निगरानी तंत्र को चकमा देने के लिए और हिंदुत्व की विचारधारा को लागू करने की अपनी सोच को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने गांधी द्वारा मुस्लिम तुष्टिकरण किए जा रहे खिलाफत आंदोलन की प्रतिक्रिया के स्वरूप में बड़े पैमाने पर सामाजिक सुधारों और हिंदू समाज के एकीकरण पर जोर दिया था। अंतरजातीय भोज, अंतरजातीय विवाह, मुक्त मंदिर प्रवेश तथा जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता के पूर्ण उन्मूलन के लिए किए गए आंदोलन रत्नागिरी में उनके पसंदीदा कार्यक्रम थे। फिर भी उनके कार्यों ने सभी क्रांतिकारियों को प्रेरित किया था। दुर्गादास खन्ना, जो बाद में पंजाब विधान परिषद के अध्यक्ष बने, भगत सिंह के सहयोगी थे और उन्होंने एक साक्षात्कार में खुलासा किया था कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में भर्ती होने के दौरान भगत सिंह और सुखदेव ने उनसे पूछा था कि क्या उन्होंने वीर सावरकर की रचनाओं को पढ़ा है। 1857 पर सावरकर की लिखी गई पुस्तक के दूसरे संस्करण का प्रकाशन भगत सिंह ने तो कराया ही,
दशकों बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इसका जापानी संस्करण भी छपवाया। इसी पुस्तक का तमिल संस्करण आजाद हिंद फौज के ठिकानों पर छापे के दौरान पाया गया था। वर्ष 1937 में पूर्ण रूप से रिहा होने के बाद वीर सावरकर ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। एक ओर उन्होंने कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति का विरोध किया, दूसरी ओर मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग की विभाजनकारी राजनीति को भी चुनौती दी। सावरकर का कहना था कि एक हिंदू राष्ट्र की अवधारणा किसी भी तरह से एक ऐसे सामान्य भारतीय राष्ट्र से असंगत नहीं है, जिसमें सभी संप्रदाय और वर्ग, नस्ल और धर्म, जाति और पंथ, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, एंग्लो इंडियन एक होकर सौहार्दपूर्ण ढंग से पूर्ण समानता की शर्तों पर एक साथ एक राजनीतिक राज्य के रूप में संगठित हो सकें। हम अपने गैर हिंदू देशवासियों के मन मस्तिष्क में उपजे इस प्रकार के किसी भी संदेह की छाया से भी छुटकारा पाना चाहते हैं कि इस देश में अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति, धर्म और भाषा के संबंध में वैध अधिकारों की स्पष्ट गारंटी नहीं दी जाएगी। यह एक अत्यंत गलत धारणा है कि सावरकर ने उस दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रचार किया था जो जिन्ना के द्वारा की जा रही इस तरह की मांग की प्रतिच्छाया थी। सावरकर ने मुस्लिम समुदाय की कट्टरता और भारत के प्रति निष्ठावान न होने का विरोध किया था और कहा था कि एक सर्वमान्य खलीफा के तहत एक इस्लामी समुदाय की कल्पना को देखते हुए कई मुस्लिमों ने खुद को एक अलग इकाई के रूप में देखना शुरू कर दिया है। सावरकर ने धार्मिक आधार पर राष्ट्र के अंदर से पाकिस्तान या किसी अन्य राष्ट्र के निर्माण का कड़ा विरोध किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जिसका वे खुले तौर पर विरोध कर रहे थे, उन्होंने भारतीय युवकों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने और प्रशिक्षित होने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वो बाद में पाला बदलकर नेताजी की INA में शामिल हो सकें। इसी रणनीति का परिणाम 1946 के नौसेना विद्रोह के रूप में सामने आया, जो भारत से अंग्रेजों की विदाई का वास्तविक कारण बना। यह देश का दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता का सारा श्रेय गांधी और उनके कृपा पात्रों तक ही सीमित रहा। सावरकर को कलंकित करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी सत्य खुलकर सामने आ ही गया। सावरकर की विचारधारा आज देश की मुख्य धारा है, जबकि गांधी के नाम पर जो पाखंड गढ़ा गया था, वह अपने अस्तित्व के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है।